दोस्तों, हमने आपको रहस्य टीवी के पुराने वीडियोस में कभी धरती पर राज करने वाले सबसे विशालकाय एवं खूंखार डायनासोर्स के बारे में बताया था। पर दोस्तों, उस समय हमारी धरती के समुद्रों पर भी कई विशालकाय और खतरनाक जीवों का राज था, जो कि उस काल में पृथ्वी के दो तिहाई भाग यानी समुद्रों पर एक तरफा राज किया करते थे। इनमें से कुछ समुद्री जीव बेहद ही विशालकाय थे तो कुछ जीव बेहद ही खतरनाक, जबकि कुछ जीव तो बेहद ही विचित्र थे, जिन्होंने आज तक वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और आज हम जानेंगे प्रीहिस्टोरिक सी क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स के बारे में। मुसेसोरस, ये जीव एक तरह के एक्वाटिक रेप्टाइल या लेगेट्स थे, जो कि क्रेजर्स पीरियड के दौरान यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के समुद्रों पर राज किया करते थे। इन जीवों के सबसे शुरुआती अवशेष साउथ कैरोलिना, साउथ डेकोटा और आयबामा जैसे क्षेत्रों में मिले, जिनका अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने पाया कि ये जीव करीब 50 फीट तक लंबे हो सकते थे एवं इनका वजन 4 से 5 टन के बीच हुआ करता था। ये पूर्ण रूप से मांसाहार जीव थे, जो कि दूसरे समुद्री जीवों का शिकार किया करते थे। ये बेहद ही कुशल तैराक एवं शिकारी हुआ करते थे, जो कि अपने खतरनाक और ताकतवर जबड़ों की मदद से किसी भी जीव की हड्डियां तोड़ने में सक्षम थे। लियोप्लोडॉन, ये जीव एक तरह के मरीन रेप्टाइल थे, जो आज से करीब 160 मिलियन से लेकर 150 मिलियन साल पहले मिडिल जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे। इनके सबसे शुरुआती अवशेष 1873 में फ्रांस में मिले थे, जिनका अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने पाया कि ये जीव उस समय समुद्रों में राज करने वाले सबसे विशालकाय जीवों में से एक थे। ये जीव 30 फीट तक लंबे हो सकते थे एवं इनका वजन 2.5 टन तक हो सकता था। इन जीवों को सबसे खतरनाक इनका विशालकाय सिर और जबड़ा बनाता था, जो कि बेहद ही बड़े और नुकीले दांतों से भरा हुआ होता था, जो कि किसी भी जीव की हड्डियों और मसल को तोड़ने के लिए ताकत रखता था। मेगलोडॉन, दोस्तों ये शार्क की एक एक्सटिंक्ट प्रजाति है, जो कि आज से करीब 20 मिलियन साल पहले अर्ली मायोसीन पीरियड से लेकर पायोसीन पीरियड तक अस्तित्व में थे। इनके फॉसिल्स का अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने पाया कि ये जीव करीब 60 फीट तक लंबे हो सकते थे, जो कि उन्हें अब तक के सबसे विशालकाय मछलियों की प्रजातियों में से एक बनाता है। ये जीव बेहद ही खतरनाक हुआ करते थे, जो कि अपने बेहद ही तेज रफ्तार और बीटिंग फोर्स की वजह से जाने जाते थे, जो कि किसी भी समुद्री जीव को मारने की ताकत रखता था। ये जीव विशालकाय वेल्स और डॉल्फिन्स का शिकार किया करते थे। माना जाता है कि ये जीव आज से करीब 2.6 मिलियन साल पहले ही पूरी तरह विलुप्त हो गए। शास्टोसॉरस, ये एक एक्सटिंक्ट मरीन रेप्टाइल प्रजाति है, जो कि आज से करीब 210 मिलियन साल पहले लेट ट्रियासिक पीरियड के दौरान पैसिफिक ओसीन में पाई जाती थी। इनके सबसे शुरुआती अवशेष 19वीं सदी में कैलिफोर्निया में मिले थे, जिनका अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने पाया कि ये जीव समुद्रों पर राज करने वाले अब तक के सबसे विशालकाय जीव थे, जो कि 60 फीट तक लंबे हो सकते थे एवं इनका वजन 75 टन तक हुआ करता था। इनका सिर और जबड़ा दूसरे समुद्री शिकारियों की अपेक्षा बेहद ही छोटा हुआ करता था, जिससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये कुशल शिकारी नहीं हुआ करते थे और छोटे बिना कवच वाले जीवों का ही शिकार किया करते थे। हेलिकोप्राइन, ये एक एक्सटिंक्ट शार्क प्रजाति है, जो कि आज से करीब 250 मिलियन साल पहले अर्ली ट्रायसिक पीरियड के दौरान समुद्रों में पाई जाती थी। इनके सबसे शुरुआती अवशेष 1889 में रूस में मिले थे, जिनका अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने पाया कि ये जीव करीब 25 फीट तक लंबे हुआ करते थे और इनका वजन 1 टन हुआ करता था। वैसे तो ये जीव बेहद ही खतरनाक शिकारी हुआ करते थे, पर इनकी सबसे खास बात ये थी कि इनके मुंह के लार जॉ में मौजूद क्रेचर्स टीथ, जो कि किसी भी जानवर की मांसपेशियों को काटने की ताकत रखते थे। इन्हें अब तक के खोजे गए सबसे विचित्र शार्क प्रजातियों में से एक माना जाता है। क्रोनोसॉरस, ये मरीन रेप्टाइल की एक प्रजाति थी, जो कि आज से करीब 125 मिलियन साल पहले अर्ली क्रेचर्स पीरियड में पाई जाती थी। इनके सबसे शुरुआती अवशेष 1899 में ऑस्ट्रेलिया में मिले थे, जिनका अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने पाया
कि ये जीव बेहद ही खूंखार शिकारी थे जो कि 30 फीट तक लंबे हो सकते थे एवं इनका वजन 10 टन तक हुआ करता था। इनके जबड़े बेहद ही बड़े और खतरनाक हुआ करते थे जो कि किसी भी जीव की हड्डियों को तोड़ने में सक्षम थे। ये जीव भी बेहद ही कुशल तैराक थे जो कि छोटे गर्दन और पूंछ की वजह से पाए जाते थे। इन्हें अब तक का सबसे विशालकाय प्रियोसॉरस माना जाता है जो कि दूसरे विशालकाय शिकारियों जैसे कि लियोप्लोडॉन से काफी मिलते जुलते थे। माइसोसॉरस। ये जीव एक तरह के मरीन रेप्टाइल थे जो कि आज से करीब 80 मिलियन साल पहले लेट क्रेचर्स पीरियड के दौरान न्यूजीलैंड के समुद्रों के आसपास पाए जाते थे। इनके सबसे शुरुआती अवशेष 1874 में न्यूजीलैंड के साउथ आइसलैंड के क्षेत्रों में मिले थे, जिनका अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने पाया कि ये जीव करीब 26 फीट तक लंबे हो सकते थे। ये जीव मुख्य रूप से अपने विशालकाय गर्दन की वजह से जाने जाते थे। इनके जबड़े बेहद ही तेज और खतरनाक हुआ करते थे जिनकी मदद से ये मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों का शिकार किया करते थे। ये जीव भी बेहद ही कुशल तैराक हुआ करते थे जो कि उस समय इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सबसे विशालकाय मरीन रेप्टाइल थे। डंक्लियोस्टियस। दोस्तों ये एक फिश प्रजाति थी जो कि आज से करीब 360 मिलियन साल पहले लेट डिवोनियन पीरियड के दौरान दुनिया भर के समुद्रों में पाई जाती थी। इनके सबसे शुरुआती अवशेष 19वीं सदी में मिले थे, जिनका अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने पाया कि ये जीव करीब 30 फीट तक लंबे हो सकते थे एवं इनका वजन 3 से 5 टन तक हो सकता था। ये उस समय समुद्र में पाई जाने वाली सबसे विशालकाय मछली की प्रजाति थी। इनका पूरा शरीर बेहद ही मोटे और हार्ड शेल से ढका हुआ होता था जिनकी मदद से ये दूसरे शिकारियों से अपनी रक्षा किया करते थे। ये बेहद ही कुशल शिकारी और तैराक तो थे ही जो कि अपने बेहद ही स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स की वजह से जाने जाते थे। माना जाता है कि समुद्रों में ऑक्सीजन लेवल घटने के कारण ये जीव पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। तो दोस्तों हमारे आज के वीडियो में थी ये खास जानकारी। इन जीवों की कौन सी प्रजाति सबसे खतरनाक या विचित्र लगी हो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोस लाता रहूंगा। अभी मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।